साल 2012 में अखिलेश यादव ने सरकार बनाई थी, सपा ने जीत हासिल की थी और उस चुनाव को भी मैंने ग्राउंड जीरो पर कवर किया था। उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, वो चुनाव भी मैंने काशी में देखा। उसके बाद 2017 का चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा और उसके बाद 2019 में भी। लेकिन अब अगर 2022 में जब मैं आज काशी में हूं और एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखता हूं तो इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आती है, क्योंकि जिन सहयोगियों के साथ पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी उन सहयोगियों के चेहरे बदल गए हैं, अब वो किसी और दल के साथ खड़े हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक और बात गौर करने वाली, आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की 130 में से 2012 की अगर बात करें तो 130 में से सिर्फ 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 17 आते आते वही भारतीय जनता पार्टी 14 से 100 सीट तक पहुंच गई। इस करिश्मे के पीछे क्या वजह थी यह भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, अगर 2017 के चुनाव को अगर आप याद करें तो इन्हीं इसी दौरान 4 से 6 तारीख के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन तक वाराणसी में डेरा डाला था और उसके बाद नतीजों में भी वो असर देखने को मिला था। इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 से 4 दिन तक वाराणसी और आसपास के इलाकों में दौरा कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, इन घोर परिवारवादियों की नजर, आपको ये जो राशि मिल रही है ये राशि पर भी इनकी नजर है। इन घोर परिवारवादियों को लगा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जात पात में बांट देंगे, समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर एक को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, हर एक को एक दूसरे से भिड़ा देंगे और अपना चुनाव का खेल खेल लेंगे। विरोधियों के तमाम समीकरणों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूर्वांचल में संभाल चुके हैं कमान। भाजपा और उसके सहयोगियों के पक्ष में इस जन समर्थन ने यूपी चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। मैंने चुनाव बहुत देखे हैं लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मतदाता खुद लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन खुद लड़ रही है। पीएम मोदी ने गाजीपुर और सोनभद्र में जनसभा की और यहां के मंच से विरोधियों पर जनता को जात पात में बांटने का आरोप लगाया। साफ है कि पीएम मोदी की नजर सपा गठबंधन की जातीय समीकरण की उस रणनीति के चक्रव्यूह को भेदने पर है जिसकी इस वक्त हर तरफ चर्चा है। अब जरा पीएम मोदी के पूर्वांचल में महाविजय की तैयारी की रणनीति को समझिए। पीएम मोदी 4 मार्च को वाराणसी में बड़ा रोड शो करेंगे। ये रोड शो 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। पीएम मोदी का रोड शो वाराणसी के कैंट, उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगा। प्रधानमंत्री 4 मार्च को रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। 5 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में जनसंवाद करेंगे। भाजपा सूत्रों की माने तो इसमें लाखों कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। 2017 के चुनाव में भी पीएम मोदी ने आखिरी वक्त में वाराणसी में कैंप किया था जिसका जबरदस्त असर दिखा था। पीएम मोदी के जबरदस्त प्रचार का नतीजा ये रहा कि जिस भाजपा ने 2012 में पूर्वांचल की 130 में से 14 सीटें हासिल की थी उसी भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ 2017 में पूर्वांचल की 100 सीटें जीती। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि पूर्वांचल के वाराणसी से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां की 26 में से 23 सीटें जीती थी, जबकि 2009 के चुनाव में उसे सिर्फ 4 लोकसभा सीटें ही मिल पाई थी। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा ने मिलकर भाजपा को साझी चुनौती दी थी और पार्टी की सीटों में पूर्वांचल में बड़ी गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही थी, तब भी पीएम मोदी ने यहां कैंप किया। नतीजा ये हुआ कि भाजपा की सीटें ज्यादा नहीं घट पाई। दोनों विरोधी दलों की साझा ताकत के बावजूद भाजपा की सीटें 23 से घटकर सिर्फ 19 ही हुई। यही वजह है कि वाराणसी में पीएम मोदी के कैंप करने की खबर ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा दिया है। साथियों, इन गौर परिवारवादियों ने जिस तरह सुख चैन भरा जीवन गुजारा है, महलों में जीना, महंगी गाड़ियों में घूमना, वो कभी भी गरीब का दर्द नहीं समझ सकते। अब अगर वाराणसी के विधानसभा चुनाव के मुकाबले की बात करें तो 2017 में भाजपा गठबंधन ने वाराणसी की सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। भाजपा ने वाराणसी की 6 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी दल अपना दल एस ने 1 सीट और पिछले चुनाव में भाजपा के साथ रही सुभाषपा ने 1 सीट जीती थी। अब भाजपा के सामने पुरानी कामयाबी को दोहराने की चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि पिछली बार 7 खड़ी सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि भाजपा गठबंधन में इस बार निषाद पार्टी की एंट्री हुई है। इस बार के चुनाव में काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण और शहर के विकास को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया है, जबकि सपा और दूसरे विरोधी दलों का दावा है कि यहां विकास के नाम पर भाजपा के दावे हवाई हैं। अब जनता को तय करना है कि उसे किसके दावे पर ज्यादा यकीन है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।